और जितनी बात बोले हो ना भगवान, वो साक्षी मान के भगवान से डर के बोल जाऊंगा सारी बात, एक भी झूठ नहीं बोलूंगा। जो झूठा आप लोगों ने आज बोली है, सुशील पहलवान और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, हमारी दोस्ती में जो खटास आई है वो इन जैसों की वजह से ही आई है। ये कुछ लोग हैं जो कृष्ण पहलवान मोगा लालप्रिया जो हम कट्ठे रहा करते, अमित नारिया नरेंद्र मातनिया दलाल थारे घर गए थे, तेरे पिताजी ने बैठते के कही थी कि मराएगा ठीक हुआ मर गया था, ये नहीं ठीक हुआ मराएगा बिजली चोरी कराया करता, वहां पर मारे से बोलिया नहीं गया। तीनों चारों आंदा है जितने साथी भी हैं जितने जुड़ रहे हैं। आज एक हमारे पहलवान लाइव आए थे और सबसे बड़ी अच्छी बात ये थी कि जो उनकी लड़ाई थी यौन शोषण वाली, जो रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष थे ब्रजभूषण सिंह, उसको छोड़ के मेरे को टारगेट कर रहे थे फुल कर पूरा 30-40 मिनट की थी। तो मैं सबसे पहले तो एक पहलवान है, शायद आज के टाइम में तो अपने से बड़ा किसी को समझते नहीं होंगे, पर भाई सच भी है भाई, अभी फिलहाल तो करंट में तो कुश्ती में तो अच्छे भी हैं। कभी मेरे पास रहा करते, लगभग 8-9 साल रहे हैं, और मैंने क्या किया है किसने क्या किया ये पूरा कुश्ती जगत जानता है और भगवान जानता है। एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है जो ये लगा के आरोप लगा रहे हैं, आज एक मेरे पे आरोप लगाया है कि 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले मैंने उसको बोला कि एशियन गेम्स में 2000 कॉमनवेल्थ गेम्स में मैं जाऊंगा। आज इसकी शुरुआत यहीं से करूंगा मैं। हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदू धर्म में गाय माता को मानते हैं सबसे ज्यादा, तो किसी मंदिर में गौशाला में चल और गाय की गौ की पूंछ पकड़ के बोल दे कि भाई योगेश्वर ने बात बोली थी, और मैं बोलता हूं गाय की पूंछ पकड़ कर भगवान को साक्षी मान गए कि मैंने कभी भी कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में 18 के बारे में तेरे से इस तरह की बात नहीं की कि कॉमनवेल्थ गेम्स में मैं जाऊंगा और एशियन गेम्स में तू जा, कभी भी नहीं, भगवान साक्षी है। और मैंने कही है ना ये बात है, तो भगवान अभी के अभी मेरी जीवन लीला खत्म कर दे, इस धरती से उठा लिया अगर मैंने कही है तो, मैं इस धरती पे बोझ मानता हूं अपने आप को। और कल ही या परसों जहां बोले गौशाला में या मंदिर में चल गौ की पूछ पकड़ के बोल दे कि योगेश्वर ने यह बात बोली है, नहीं तो मैं अभी भी बोल जाऊं और गौ की पूछ पकड़ के मैं बोलूंगा कि मैंने बात नहीं कही कि भाई मेरे को कॉन्वेल्स गैंस में जाने दे। और मैं लगभग 50 बार ये बात बोल सका कि 2016 रियो ओलंपिक के बाद में मैंने कुश्ती छोड़ दी थी, संन्यास ले लिया था, पर एक बात शायद तू ये कहना भूल गया या बताना भूल गया कि तेरा मेरे पास फोन आया था 2016 ओलंपिक के बाद में, शायद वर्ल्ड चैंपियन, हाँ शायद या वर्ल्ड चैंपियनशिप की थी, क्योंकि मैंने एक बात बोली कि मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलूँ उसके बाद मैं संन्यास लूँ। तेरा फोन आया था कि पहलवान जी आप वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलोगे, मैंने मना कर दिया था कि नहीं बेटे मैं नहीं खेलूंगा, तू ही खेल वर्ल्ड चैंपियनशिप। और 2016 के बाद किसी भी मेरा कैम में नाम दिखा दो, पूरी लिस्ट निकलवा के नाम दिखा दो मेरा कि भाई योगेश वर्धत इस कैम में था, एशिया चैंपियनशिप में कैम में था या वर्ल्ड चैंपियनशिप के कैम में था। तो एक सबसे तो गंभीर आरोप लगा कि भाई मैंने तेरे को ये बोला कि कॉमनवेल्थ गेम्स मेरे को खोलने थे, नहीं मेरे को बिल्कुल भी पैसों का लालच और ये लालच नहीं रहा कभी भी, आज तक भी नहीं रहा। और मैं जितने भी देशवासी सुन रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की जो बात कर रहा है, 2010 और 14 कॉमनवेल्थ गेम्स में खेला हूं, और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप जो होती है 2 साल में एक बार होती है, 2003 की कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप खेला हूं मैं, 5 ही खेला हूं 7 ही खेला हूं, 2007 के बाद कोई भी कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप नहीं खेला मैं, ट्रायल होती ट्रायल में मैं फर्स्ट आता था, वो चाहे 2011 की बात हो या 13 की बात हो या 15 की बात हो, किसी भी वो कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में मैं नहीं गया हूं, जो सेकंड आता था मेरे वेट में वो गए हैं, रिकॉर्ड होगा फेडरेशन में निकलवा के देख लो, जो पहलवान गए हैं सेकंड, क्योंकि वो दो जगते थे उसमें कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में, सभी देशों को बता दूं कि एक वेट में 2 पहलवान जाते थे, मैं फर्स्ट आता था, मैं नहीं जाता था, सेकंड और थर्ड जो निकलता था 2 पहलवान वो जाते थे, ये ऑन रिकॉर्ड है फेडरेशन में,
कि कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में मैं नहीं गया, अगर पैसों का लालच होता तो मैं जाता कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में। मैं 2007 के बाद, हाँ 2007 के बाद मैं कोई विद कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप नहीं खेला। रही एक बात और बोली कि 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में मैं बिना ट्रायल गया था, मैं अकेला नहीं गया था, उसमें तू भी था, पूरी टीम थी, और इसका जवाबदार मैं नहीं हूं। जो सिलेक्शन करता है वो है फेडरेशन है, उनसे जवाब मांगो क्यों था, और ना मैंने फेडरेशन में सिफारिश की कि मेरे को बिना ट्रायल भेजे। इस बात का गवाह सुशील पहलवान होगा। मैंने बस जो देशवासियों को मैं पूरी बात सच्चाई बताऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी। सुशील पहलवान और हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, हमारी दोस्ती में जो खटास आई है वो इन जैसों की वजह से ही आई है। ये कुछ लोग हैं जो किसी को बढ़ती को नहीं देख सकते, कुछ लोग जातिवादी भी हैं। 2014 एशियन गेम्स के बाद मेरे सुशील पहलवान की दूरियां बढ़ी थी, उसमें बहुत से लोग ऐसे थे मेरे को पता है, और आज सुशील पहलवान जहां अंदर है तो कुछ ऐसे लोगों की वजह से है जिन्होंने इसको मिसगाइड किया। सुशील पहलवान इसका गवाह है। मैंने एक बात कही थी कि पहलवान तो मैं नहीं बोलता था कि सुशील भाई वेट का देखना, वेट में ज्यादा छूट मत करवाना, सच बताऊंगा एक भी झूठ नहीं है कि वेट ट्रायल, ये मैंने बोली ट्रायल नहीं मत लो, पर फिर मेरे को बोला कि बाद में पता लगा फेडरेशन बिना ट्रायल भेज रही है, नंबर वन है ये, तो कोच बताएंगे नंबर वन कौन है कौन नहीं है, और ये बोले कि नंबर वन नहीं था। 2004 ओलंपिक से लेके कौन एथेंस ओलंपिक से 2016 ओलंपिक तक 4 ओलंपिक खेले मैंने, 2 कॉमनवेल्थ गेम्स खेले, 2 एशियन गेम्स खेले, कितने नंबर का था मैं, एक कुश्ती आ रहा हूं मैं। 2009 में इंजरी हुई थी मेरे, 3 ऑपरेशन हुए थे मेरे, 2 ऑपरेशन हुए थे, साउथ अफ्रीका 6 मिल रहा था, आती मैंने ट्रायल दी थी, आती मैं ट्रायल आया था। 2004 से लेकर 16 के बीच में बस मैं हिंदुस्तान में कुश्ती आ रहा हूं अपने वेट में, इंजरी थी सर, सही ना भी होती पर मैं बता रहा हूं कि नंबर वन टू का ही फैसला इससे ही हो जाएगा, और ना मैंने कभी ये बोला कि मैं बिना ट्रायल भेजो। एक बात बताई कि 2014 में मैंने वेट के लिए बोला था कि वेट में ज्यादा छूट नहीं होनी चाहिए, अगर 65 का तो मैं 66 छूट होनी चाहिए। 2018 में मैंने बोलचाल बंद कर दी इस वजह से, तो 2019 में भी बात होती थी, क्यों करता था बात मैं। ये जो तू अभी तूने गैर मतलब अभी मैंने डाला एक वो चीज डाली है, पोस्ट डाली है कि गुरु की, वो क्यों डाल दी थी, बोलचाल बंद थी था। जब बोलचाल बंद हो फिर उसके बाद क्यों गेड़ी बंद कर दी, अगर बोलचाल जब तक 18 में बंद होगी 19 में क्यों डाली, अगर 19 में डाली तो उसके बाद क्यों डालनी बंद कर दी। सच्चाई बता, जितनी भी सच्चाई वो बता, इस बोले लीग की कैसे क्या करना पहलवान जी, तो मेरा तगड़ा तो नहीं था, चलो मैं 3-3 की बोल दी, ज्यादा गैप कर देता फिर क्या करता। बार टूर्नामेंट 2008 में तो स्टेडियम आया था नरेंद्र खुडनिया पहलवान जो तेना लेगा था, और उसके तो लात मारी, तेरे भाई ने तेरे बाप ने, और सुने थारे तो गिरा हुआ इंसान कोई हो सकता नहीं। खुडनिया नरेंद्र पहलवान का भाई एक्सपायर हुआ था, करंट लगा था उनका, उसके दाह संस्कार के बाद जाकर मैं कृष्ण पहलवान मोगा अलाल प्रिया जो हम कट्ठे रहा करते, अमित नारिया नरेंद्र मातनिया दलाल थारे घर गए थे, तेरे पिताजी ने बैठते के कही थी कि मराएगा ठीक हुआ मर गया था, ये नहीं ठीक हो मराएगा बिजली चोरी कर करता, वहां पर मारे से बोलिया नहीं गया, तीनों चारों आंदा है मैं इसने क्या बात कह दिया। उसके दास उसके भाई के दास संस्कार पे से करा गए थे, करा गए बैठे थे, वहां बैठना मुश्किल हो गया हमने। जो तेरे लेगा था स्टेडियम में उसके भाई की मौत पर तेरे पिताजी ने यह बात कह दी कि बिजली चोरी कराया करता मरा था गाय, बात वो करो जो सच हो, और यह बात भी झूठ को ना।
इस बात की भी मैं मंदिर में खड़ा हुआ कसम खा जाऊंगा। आज तक तेरा फायदा क्या उठा लिया मैंने? 2008 से 10 12 14 16 तक जितने भी बार 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 गया मैं, वो अपने भाई ने कदे ना लिया गया। अपने पार्टनर में जूनियर होया था, छोटा ही था, मैं लिया गया था, अपने गिल्ला नाम करवाया करता। कैंप पुना लगता लग गया करता भाई, सो दिन बोलूं बोलू ना बोलू थोड़े काली मत मानियो भाई, ये कदे सो दिन कदे जानेगी। कैंप की पुना की बजाय अपने पास बुलाया करता, 57 किलो लिया था वेट तो मना मना गई थी, मैं नहीं 57 में लड़ना, मैं 1 65 में लड़ फिर 65 में लड़ना है। मेरे मन में पाप होता तो बुढ़े मसल देता। 2016 में जब कुश्ती छोड़ी तभी मैं तगड़ा ही था। अगर फेडरेशन में इतनी चले थी और कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रहा है तो फेडरेशन में जाकर मैं कह नहीं सकू था कि कॉमनवेल्थ गेम्स में मैं जाऊंगा 18 में, मैंने जाना होता तो मैं चला नहीं जाता। अगर फेडरेशन में चले थी मैंने 2016 के बाद पहलवानी नहीं करी। झूठ नहीं, जितनी बोल सच बोल। झूठ करना सिर होता ना पैर होता है। 2008-09 से जब भी अकेडमी स्टेडियम आया था तब से 2016 तक कित फायदा उठा लिया। टूर्नामेंट में जो ओलंपिक क्वालिफाई होने बाद टूर्नामेंट बाहर इटली था, कहाँ था इतना ध्यान नहीं कि भाई तू मैंने बुझी क्या करोगे, मैं फट से कि तू सेकंड नहीं भाई, झूठ मत बोल। पहली कुश्ती तेरी मेरी आ गई थी और 1 मिनट में 10 बना दिए थे। तू बेशक ना नहीं लड़े, मैं नहीं कहता तेने ताकत लगाई थी, पर 10 की वो कुश्ती खत्म हुई थी और अगली कुश्ती मार गया था। तो पहली बात ये, तू मैं फर्स्ट तू सेकंड जब बनता जब हम अलग पुल में बनते अलग अलग आनते तो पहली कुश्ती आई थी, दूसरी कुश्ती क्यों बड़े पहलवान दा मार गया था। और ये जो 10 जीरो बात की मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने कुश्ती हुई थी मेरी, तू कुश्ती नहीं लड़े मेरी गला, लीग में भी ये था, सारा देश देखा था। मेरा ये था कि भाई नहीं गलत हो जाएगा। और कुश्ती की बात कर रहा है अमन पर या पहलवान, देश में भी अगर दुष्प्रचार कर रहे हो तुम झूठ फैला रहे हो कि भाई 2000 ओलंपिक तब बजरंग पहलवान की वजह से योगेश्वर ने खेला है। नहीं भाई झूठ है बिल्कुल। 2016 ओलंपिक की ट्रायल हुई थी आईजी स्टेडियम में, मेरी कुश्ती पहली हुई थी रजनीश पहलवान के साथ थे। वो भी मेरे दुनिया में साथ रहता था, उसके साथ ही मनमुटाव हुआ था 2014 कॉमनवेल्थ जो हमारी टीम भेजी उसके बाद में अमित धनखड़ के साथ भी उसके बाद मनमुटाव हुआ था, पर उसमें मेरा कोई दोष नहीं था, फेडरेशन का फैसला था वो। और ना मैंने फेडरेशन कही थी कि मैं ट्रायल मैं बिना ट्रायल भेज दू पूरी टीम ने, जिसने भेज दिया वो सब ना पता है। इस बात के बारे में भी मंदिर में खड़े होकर कसम खा लूंगा कि मैंने यह बात नहीं कही। मैं देखूंगी मैंने ये वेट की कही थी, आज भी कहूं मैं पूरी मीडिया के सामने देश के सामने कहूंगी भाई मैंने वेट की कही थी, सुशील पर मेरी बात हुई थी भाई। फेडरेशन का अध्यक्ष था, अगर हम जाया करते कभी को काम होता जाएंगे बजाएंगे क्यों नहीं, तुम नहीं जाया करते बताओ ना जाते हो, तुम्हें गुणगण ना गनते होता है, तुम गुरु बताओ मैंने गुरु गुरु तुम ना 50 पा कहते गुरु भाई मेरा गुरु वो नहीं है नहीं है नहीं है। मेरे गुरु पहले गुरु मेरे मास्टर सतबीर मेरे गांव की और एक मास्टर धर्मवीर हुआ करते। उसके बाद मैं स्टेडियम में गया सतवा पहलवान वहां के डिप्टी डायरेक्टर थे जो पहलवानी कराई है, राम फड़को साहब मान को साहब जो फिलहाल अकेडमी में है, जो तुम नको थे स्ट्रिंग नुकैदी को साहब ने जिसका था जो थारा भी कोच था तेरा भी गुरु लाले, क्योंकि हिंदी में गुरु हो जाए इंग्लिश में कोच हो जा है, ऊंचा मान पढ़े थाई नजर में कि मैं कसना आता पढ़ना लिखना ना आता। और पहले इसकी बता दो राम फरमान को साहब यशवीर को साहब डबास ये कुश्ती के मेरे गुरु हैं। कह मैं भी रहा हूं मैं जिनने मेरी पहलवानी कराई है मैं अपना गुरु मान लू, चाहे कितने भी हों। जॉर्जियन कोच व्लादिमीर 2003-16 तक इंडिया टीम के कोच रहे हैं वो, आज हम यहां पर बैठे हैं मेडल में ओलंपिक मेडल आ दूंगा बहुत बड़ा योगदान है। जगमेंद्र पहलवान चीफ कोच रहा है बहुत लंबे समय तक पहलवानी कराई है उन्होंने, उन्होंने पहलवानी कराई है भाई। ये है मेरे कुश्ती के कोच जिसे भी स्कूल में जा रहा हूं ना जा रहा हूं 5वीं या 10वीं मेरे उनका यह कुश्ती भी शिक्षा ही है।
पर स्कूली शिक्षा की अलग है। राजनीति की बात करोगे तो भाई मेरा राजनीति गुरु भी नहीं है, और सस्ता ही है कि भाई मेरा राजनीति गुरु है ही नहीं को, और मेरे ख्याल में कामयाबी मैंने इसलिए नहीं मिली राजनीति में को मेरा गुरु नहीं है, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। और ऐसे हम निठल्ले घटिया नीचे सोच के है नहीं कि जो हमने हाथ पकड़ा पता हुआ है उसके खिलाफ हम बोल जाए, कभी जिंदगी में नहीं बोलेंगे। जिसने जितना भी योगदान माता दिया हम उसका शुक्रिया अदा करेंगे, उसके गुणगान गाएंगे जितने गाए जाएंगे, जितना उन्होंने करा है योगदान। जब जीवन देंगे, जब जीवन जान देंगे जब भगवान तय, तो हम कह सकें कि भाई ये यो काम हमने कराया है ठीक है, यो कराया गलत। विनेश पहलवान इंजरी का थी, इंजरी मेरा 5 ऑपरेशन हो रहे हैं, एक पोस्ट डालूंगा मैं सबको भाइयों सारे ने एक फेसबुक पर, एक किसी भाई ने पूरी मेरी पूरी बॉडी में जितने भी है के, मतलब टिक मारा कर करा कभी इतने हुए हैं, 5 ऑपरेशन हुए हैं, क्योंकि 2-2 घंटे तक वार्म अप कर रहा करता। हाँ भाई 5 ऑपरेशन दोनों पाएंगे हो रहे हैं मेरे, ये सिलगा एन सिलगा मिनिस के और कमर के भी बोल रखा था डॉक्टर ने। 2010 का एशियन गेम्स, इसी वजह से मैं नहीं खेल पाया, मेरी डिस्क स्लिप हो गई थी L4-L5, 6 महीने जब भी बढ़ा था बार में। पूरे कुश्ती करियर में कुश्ती का जानकार है तो मेरे साथी सब ने पता है कि भाई मेरा कितनी इंजरी हुई है। आज तक कभी मेरी अलग ट्रायल नहीं हुई, जितने भी देशवासी सुना है, जितने भी सुना है कभी आज तक मेरी कोई अलग ट्रायल नहीं हुई। ट्रायल में जाने की छूट मिली, सबने मिली, मना मिली। 2014 में कॉमनवेल्थ गेम्स में फटता था, एशियन गेम्स में सीधा भेज दिया मैं। और वो सुनो फर्स्ट आते ही मैंने ये कही थी ब्रज भूषण शरण सिंह था, मगा जी ट्रायल कराओ वजन की छूट मत करवाइयो, क्योंकि दिन के दिन वजन दिखाना पड़ा जो भी सिस्टम था, इतना ध्यान भी नहीं, इतनी पुरानी बात है भाई, अपने अपना कर्म कराया है और आगे बढ़ गए हैं। बार की ये बात है सुशीलर में, पहले सुशील पहलवान में थे, क्योंकि दिन रात हम गिल रहा करते सुशीलर में, वो समय हार जाए। आज मैं एक बीच में समय था कि माई नहीं बनी, बहुत दूर हो गए थे, पर उसके बाद भी मिले भाई, उस पर गलती हुई, इन जिसे भाई ने गलती कराई जो थे उस पर, उसके बाद ही सुशील पहलवान मेरे तक मिला है, सुशील मेरी बात हुई है, गलती का एहसास, गलती ठीक नहीं थी, मैं नहीं कहती भाई जो भी था, मैं मेरी गलती उसका सुशील भी उसका है, माई दूरी हुई थे मेरी गलती, जो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्यों मैं कर सकूँ था, क्या बात है भाई। पर उस बात की छोड़ो भाई, पहलवान सुशील पहलवान के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि वो सुशील पहलवान का मैटर नहीं है। एक बात बताऊं, 2014 के एशियन गेम्स में भी मैंने ये कही थी ग्लासगो में, माजी छूट मत करवाइयो, ब्रज भूषण सिंह बोले तू फर्स्ट आ गया, जो फर्स्ट आया उसकी ट्रायल ले लेंगे, सीधा भेज देंगे। मगर ठीक है जी भाई, मैं नुकूंगा ना, ना जी मैं ट्रायल कराओ भाई ना, मैंने ट्रायल देगा नहीं अभी, मैं ठीक है जी मैं फटता है, ऐसा क्या हो गया। 2014 के उसमें पहले उन्होंने केस भी कहा था, मन तो किसी नहीं कहा केस मत करो, मत अपने से फायदा होगा, मन नहीं गई वह ट्रायल मत कराओ। मैंने एक बात कही है कि अभी क्यों हूं, कि मैंने कही थी कि वजन में छूट ज्यादा ना हो, कम तक कम छूट हो। और रैंकिंग की बात हो, रैंकिंग बता दे वर्ल्ड की, मैं क्यों थी रैंकिंग है सभी देशवासियों तो एक बार बताऊंगा, उस टाइम पर रैंकिंग सिस्टम वो था ही नहीं, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या ओलंपिक को कुछ में रैंकिंग दिया ही नहीं करते, सीधा ड्रॉ निकला करता, ओपन था। पहली कुश्ती हमारी वर्ल्ड चैंपियन के लिए अभ्यास का, ओलंपिक चैंपियन के लिए अभ्यास का है, किसे भाई अड़के कदी अड़के पहलवान के लिए अभ्यास का, ये रैंकिंग सिस्टम नहीं था। और रैंकिंग सिस्टम आता है पहलवान की पहचान को नहीं होती, टोक्यो ओलंपिक में जिसका 65 kg में ओलंपिक में गोल्ड आया था, वर्ल्ड चैंपियन बना था, वो बिना रैंकिंग का पहलवान था, उसका कोई रैंकिंग ना दी थी, ओलंपिक गोल्ड आया था। रैंकिंग का तो फायदा एक जगह हुआ है कि अब पहली कुश्ती हमारी हड़की मिल जाए हमने देश में, इसे वर्ल्ड चैंपियनशिप या ओलंपिक आप देखोगे, ओलंपिक आप देखोगे तो उसमें रैंकिंग दे हैं, पर यह कौन है कि उसमें जो रैंकिंग 10 है जिसकी वो कुछ भी कोन्या, या रैंकिंग 16 जो कुछ भी कोन्या। आप टूर्नामेंट ज्यादा खेल लो, टूर्नामेंट खेलो 5-7 टूर्नामेंट लगातार खेलो, आप मेडल लाओ देख के दो तो किसी तरह रैंकिंग बढ़ जाएगी, या कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो इस बात की छोड़ दो ये था कि मैंने सफाई ना दे ली कि भाई मैं किसा पहलवान हूं, कोई बात ना भाई, मुझे भी थे बहुत दिमाड़े थे,
भगवान ने बना दी थी, हमने मेहनत करी, माता फल मिल गया, चार ओलंपिक खेल लिए भाई, बुद्धि होते हुए भी मैं बुद्धा था सब मैं पूरे देश में भाई, पर मेटेरियल जीत जा रहा दखी सखी होगा, लैंग थैंग होगा, चार ओलंपिक खेले 2004 का भी, 8 का भी, 12 का भी, 16 का भी, दो कॉमनवेल्थ गेम्स खेले थे 2010 का, 14 का, दो एशियन गेम्स खेले 2006 का, 14 का, 10 गेम चोट थी मेरे, चोट लगी थी सिलेक्शन होने के बाद में। तो सब बड़ी बात यह है कि अगर 2018 की जो झूठ बोली है तो मंदिर में खड़ा हुआ गांव की पूछड़ पकड़ कह दिया कि भाई योगेश्वर ने बात कही थी, और मैं रखूंगा हूं बिकूंगा और पकड़ कर कह दूंगा, और नुकह करना पूछड़ पकड़ कहा कह सकता है वीडियो के तो वीडियो डाल दूंगा, एहसान खुरामोशी मारे हम को ना। अच्छा एक और बात, मरना कभी जिंदगी में नुकही हो भाई, बजरंग मेरा चेला है, मैं का गुरु हूं, कोच हूं, कभी भी नहीं कही, कभी मैंने तेरे नाम का कोई कैश अवार्ड लिया हो, कभी तेरे नाम का मैंने द्रोणाचार्य का अप्लाई कराया हो, हालांकि तूने एक दो बार फोन आग पहला दिया, आप भरोगे मैं साफ मना कर दिया कि नहीं, क्योंकि मेरी एक सोच थी कि को फायदा ठाना ही नहीं इसका। मैंने नरेंद्र खुडनिया जो तेरे गांव का था उसका मैंने बरवाया, ये बात तेरे भाई ने कलेश कराया, नरेंद्र खुडनिया नहीं बोल रहा, मैंने क्यों नहीं बोलते, उसमें कमी है, किस में क्या कमी है, तो निर्बोलना चाहिए था उसने, अभी बोलना चाहिए जो मैं कहूँ ना, जब मेरी मैंने झूठ कही हो तो मेरा खंडन कर दिया, पता नहीं भाई योगेश्वर गलत कर रहा है। खुडनिया हम साथ रहे हैं भाई, जितने भी साथी सुन रहे 97-98 था, मैं नरेंद्र खुडनिया, नरेंद्र मातनिया पहलवान दलाल, कृष्ण मोगा है, लाल परपता है, एक अमित दैया है जो दिन रात मारे गेल रहा है, और सुनो जितने भी गेल रहे मैंने क्या फायदा उठा लिया, तेरे पास एक पैसे का फायदा लिया हो, तेरे पास एक पैसा लिया हो, एक रुपया लिया हो, तेरे पास कोई खर्चा करवाया हो, कुश्ती की बात है, कुश्ती कर बात है, ओलंपिक क्वालिफाई टूर्नामेंट जो ट्रायल थी 2016 वाले की, मेरी रजिस्ट्री हुई थी तेरी, अमित धनखड़ की हुई थी, उसने राय नहीं था, तुम नुकह थे वो पहले उनकी बिड़ा दिया, तेरे नुनू है किस गले बिड़ा दिया, अरे को था किस गले बिड़ेगा, मेरी रजनीश की रजनीश बहुत पहलवान था, मेरी रजनीश की होगी मैंने रजनीश रा लिया, अमित धनखड़ ने तो रा लिया, फाइनल में मेरी अमित धनखड़ गया की मैं जीत गया, मैं तेरा क्या योगदान है, एक पूरे मैं कई साल का सुनता हूँ, बजरंग पहलवान ने योगेश्वर ने ओलंपिक में भेज दिया, क्यों कुछ भेज दिया भाई, कौन सी टिकट करी तुमने ओलंपिक की, तुमने क्वालिफाई करा था, मन्ना करा था, मैं गया था ट्रेल में जीता था, रोड सुने जीते पाछा जब तू आ रहा ना अमाम पर याद है, कोच और मारे पहलवान ने दिखी आए थे, मैं तो रहे कि गौड़िया दादा गुड़ गेर दे, अगर यू बजरंग की तेरी फाइनल होती तेरी तेरा कश्ती जनता था साबत अमर यू ओलंपिक तेरे तई कलंक हो जानता, साबत अमर वेकन तेरे उस टाइम मैंने दुखवाया था तू आया था, मैं गलत हो गया, पर आज मैं भगवान से हाथ जोड़ रखा हूँ गौ माता दे कि बहुत बढ़िया होया था उस दिन, वे मेरे तो कहते हैं तेरे बारे में छीन नुयो ना नो करते इन ये हैं, तो मैं दुख होया था, मैं क्यों कहे उसके बारे में इसी बात, पर आज मैंने कहूँ भी ठीक थे मैं गलत था, उन्होंने नो कही थी गुड़ गेर देगा उड़िया दे, अगर जब तू आज यू जीत जाता ना अमित हम पर याद है अमित धनखड़ है तो सब तो मैं तेरे पाई कलंक ना मिटा है, और एक और मैं भगवान का शुक्रिया अदा करूँ हूँ कि मैंने तेरे नाम पर को कैश अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड नहीं लिया, द्रोणाचार्य अवार्ड ले सकूँ था मैं तेरे नाम पर भी ले सकूँ था, और भी चल रहे भी है, अच्छी परफॉर्मेंस भी थी, तेरे नाम पर सुहितमान भी तो ले गया, सुहितमान तेरा कोच है, 2-3 महीने की तक तेरी करा दी होगी, डमल डामल ठवा दी होंगे तेरे को, दादू पता होगा वो भी तो ले गया तेरे नाम पर, मैं भी ले सकूँ था, तू तो मैंने खुद फेसबुक पर सारी का गुरु गुरु सारी मेरी वीडियो पा जाएंगी, और मेरी एक भी नहीं पाओगी नुकनते की कि वो बजरंग मेरा चेला है, एक भी वीडियो नहीं पाओगी, पर मैंने ना लिया, मैं भगवान था, भगवान ने मेरी सोच बना दी,
बीजेपी बीजेपी क्या हो गया, बीजेपी मांगे था नौकरी छोड़ दी, मैं जी गए झटके में छोड़ दी नौकरी, क्या हो गया 10 साल नौकरी कर भी ली छोड़ भी दी, भूखा मर गया मैं, राजनीति मां आगे क्यों लड़ लिया इलेक्शन ने, एक साक्षी पहलवान कहते हम कहते भाई धन्यवाद रहा, तू तो एक प्रोग्राम और भी आई थी मेरे कंते, एक दो और भी गई है पहलवान साक्षी मलिक, तू नहीं रजा तू कहू ना आप है तू छोटी भाण हमारी कदम तो तू तोड़ा का बात कर रहा है, हरियाणा भी लाज आ गया ना तो आप ला ले तू ला ले गई है, वोटा तो बड़ा है ज्यादा जरूरत पड़ा है, मेरी मेहनत कस भी काम ना आवा, पहली बार चुनाव लड़ा 38,000 वोट आई 4,000 दा रह गया, दूसरी बार 50,000 आई 12,000 वोट बढ़ गई फिर भी आ गया, वोट कम रहेगी 50,000 वोट 38,000 वोट थोड़ी थोड़ी वो है, और तू गई मना कद कही बेटा तेरे तय कि भाई तू ना गई, और तेरा तो सुन पहलवान साक्षी पहलवान तेरा मैं बेड़ा है, कल ना कोई ऐसा होगा सच्चाई आओगी सामने, कोई तन्ने मेरी जरूरत पड़ेगी मन्ने तेरी पड़ेगी तो तू आओगी, और तन्ने मेरी कोई इस तरीके की पड़ेगी तो मैं आऊंगा, एक कह थी भाई बजरंग क्या था अब भाई कही थी मेरे का बात भाई बात तो क्या किस किस के अगर है, मेरे अगर एक भी लड़की ना कदे आगे कभी भी नहीं कही एक पहलवान जी या योगेश्वर भाई मेरे के लबर बुस ने नौकरी है एक भी नहीं आई को आएगी ये आएगी ये तो कमेटी आगे आई थी मेरा गीत आई थी बताओ मेरे अगर ही हो तो कोई युग प्रो युग सारा ये तो कांड हो इसके बाद तो क्या क्या आया है, इससे पहले मेरे पास कौन आ गई, और तू मैं तो रहा करता तू मेरे खेत कमरे में ना सोया करता, मैं एकला सोया करता तुम अलग सोया करते, और तेरी मेरी कद ये बात होगी तेरी मेरी बात कद होगी छोड़िए के बारे में, तेरी मैं इतनी मत थी तू मेरे छोड़िए बदलता चाहे तू कंधा पहलवान जी सोरी गला बड़ी बुढ़ा कर दिया, मैं ठाडे पड़मा नहीं बोल रहा मैं बड्डा था खरता है मैं दलाल थे बराबर के खुडनिया था, और फिर कृष्ण पहलवान भैया प्रिया था भैया प्रिया पहलवान गया तुम बतला देते हो सारी अच्छी बुंडी कदम मैं था भैया प्रिया ने भी ये ना था भाई वो भी ना बोले तो मारे कदम सोचे तो वो ना बतला कदे तो ना कदी मैं पहलवान जी सोची गला हो गया या किसी गला हो गया कमरे में बोला ली भीतर तो ना कदम बताई मेरे तक पहलवान जी सोरी गला होया है कि सोई ना मेरे तक कही है इल्जाम तो भाई और सुनो तुम किसा एक साइड में किसी सोई गलो 2 मिनट बात कर लो यू समाज थारे बारे में भी कह देगा खाऊ उसका बतला हुआ है जो लोग ना जानते सगी बाण भाई मोटरसाइकिल जहां लोग दोनों में देख देख छोरी मिठाई जाना लग रहा कंते नहीं हम जिस समाज में रहे हैं जिस समय सोसाइटी में रहे हैं आड़े बात चलती नहीं गाड़ी में कर तू किसी छोरी में बैठा साल जाते सगी बाण हो छोरी बैठा रहा है दोनों जानते हो तो इन बात मैं कस नहीं दरिया भाई नू बेरा ही हो बेरा किसके बारे में कूड़ना कंता किस किस के बारे में कितना किस किस जगह चल रहे हैं जगह तो देश के चल रहे हैं थारे भी चलते होंगे मारे भी चलते होंगे और भी चलते होंगे मेरे तक किस लड़की ना कही है कि बता कि एक रोगेश्वर पहलवान मेरी गला ब्रजभूषण है किसने नो कराया है मैं तारीफ के बाद बता दो भाई क्या है क्या कराया है हम गला खड़े हैं किसने कहा होता बताओ और जो तो कहती वो पहलवान था भीम पहलवान मैं बता दो नाम तुम ना बताओ मैं बताऊंगा नाम कौन था भीम पहलवान था भाई स्क्रीन शॉट दिखाना है फिर ले लिया था गिर दे भीम पहलवान है जसराने का गरीब को मन लड़ा करा भाई मारा साथी है जूनियर हम तो है भाई का साथी है भाई कमेटी पमेटी पीछे पैसे के पढ़ा रही है कमेटी के जा रहे हैं कोर काम धंधा होगा को पीछे आगा के सिस्टम होगा मन ने बेरा कमेटी पमेटी मैंने बढ़िया था बस नाम नाम सुना है नंगा साहब किताब लड़ा था मन उनकी तरफ सारी बातचीत हो भाई उनकी क्या बात हुई है भीम पहलवान बात ना हुई वीडियो भी कर देगा वो खा पंचायत की कई थारी खा